जमीन ही उसको काम आती है और आज जमीन की ही लड़ाई चल रही है किसानों द्वारा। अब जोरू की बात आ जाती है, प्रधानमंत्री जी के पास जोरू तो है नहीं। अब जोरू की बात आ जाती है, प्रधानमंत्री जी के पास जोरू तो है नहीं। रॉबर्ट वाड्रा जी किसान भी हैं, बहुत बड़े उद्योगपति भी हैं, वो क्यों नहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं एग्रीकल्चर में? उन्होंने क्या इन्वेस्ट किया? कोई फैक्ट्री लगाई, कुछ किया? 2-4 हजार करोड़ रुपए का कोई आलू से जो है सोना तो नहीं बन पाएगा, लेकिन चिप्स बनाने की फैक्ट्री ही अगर वो लगा दिए होते 100-200 करोड़। लग रहा है मिश्रा जी पागल हो चुके हैं, मिश्रा जी पागल हो चुके हैं। अरुण जी इस प्रकार की भाषा का कृपया इस प्रकार की भाषा का उपयोग मत कीजिए। मेरे को अपना ऑडियो डाउन करने के लिए मजबूर मत कीजिए। आपका ऑडियो डाउन करने के लिए आपके बीच में कोई नहीं बोला तो आप भी किसी के बीच में नहीं बोलेंगे। जरा शब्दों पे ध्यान दीजिए आप। क्या, चलिए ठीक है। आप नहीं, अरुण जी आप प्रधानमंत्री जी की पत्नी के ऊपर बात कर सकते हैं, वो ठीक है, वो चलेगा, आप कर सकते हैं। मैंने शुरुआत में भी कहा था आप जो करें वो सारी बातें सही हैं, लेकिन कोई दूसरा आपकी पार्टी के नेताओं के बारे में बोल दे वो गलत हो जाता है, ऐसे नहीं चलेगा। शालिनी जी आपके पास मैं आना चाहूंगा। मिश्रा जी, अरुण जी इस प्रकार की भाषा का कृपया यहाँ पे तो उपयोग मत कीजिए। आप प्रधानमंत्री जी की पत्नी के लिए बोल सकते हैं, वो आपको चलता है, तब आपकी भाषा मर्यादित नहीं होती। नहीं, अरुण जी इस प्रकार से नहीं चलेगा। आपको जो चाहे आपको बोलना है वो आप बोल सकते हैं। आप लाइव डिबेट में किसी पार्टी की प्रवक्ता को आप झूठा बोलते हैं, आप किसी राजनीतिक विचारक को आप पागल बोलते हैं, लेकिन अगर ये सिर्फ एक फ्रेज का उपयोग करते हैं वो गलत हो जाता है। अरुण जी ऐसे नहीं चलता। मैं मेरे टेक्निकल डिपार्टमेंट से कहूंगा अरुण जी की आवाज डाउन करें। मिश्रा जी बहुत कम शब्दों में अपनी बात पूरी कीजिए, बहुत कम शब्दों में। मिश्रा जी रही बात आम आदमी पार्टी का, तो उनका कहना ही क्या, उन्होंने बिल फाड़ा तो ये तो वही कहावत है, फटा पोस्टर निकला केजरीवाल, तो उनके ऊपर तो कोई कमेंट है ही नहीं। ये सब उनकी स्टंटबाजी है, उनका कानून बनाने में कोई रोल नहीं है, नेतागिरी वो भी कर रहे हैं। और कुछ साथ ही साथ ए के मिश्रा जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक है, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मिश्रा साहब आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। ए के मिश्रा जी, क्या लगता है आपको कि जिस प्रकार से ये विरोधाभासी चीजें चल रही हैं और 2 दशक से इन बिलों पर काम चल रहा है, ये कोई बिल आज के नहीं बने, बार बार बीजेपी भी कह रही है और कई लोग जो इस बिल के समर्थन में वो कह रहे हैं कि ये आज के बने हुए बिल नहीं है, इन पर कार्य काफी समय से चल रहा है और अब सभी और लगभग हर एक पार्टी, कांग्रेस ने भी शासन किया है और जो अभी 23 नवंबर को जो केजरीवाल साहब ने करा उसके विरोधाभासी कदम उन्होंने कल कर दिया, क्या कहना चाहेंगे मिश्रा जी? देखिए इस बिल की जो खूबियां हैं, अगर पिछले कई सालों से इस बिल पे काम चल रहा है उसमें अर्थशास्त्री, एग्रीकल्चर के एक्सपर्ट, संबंधित विभाग के बहुत सारे एक्सपर्ट बैठे हुए जी। शुरू में ही क्या हुआ कि बीजेपी इस बिल के उन चीजों को नहीं समझा पाई जी, जिस चीज के लिए ये बिल आया है। अभी नेहा शालिनी दुआ मैम बैठी है, वो भी बोल रही थी, उनके भी जो है बोलने में मुझे हठधर्मिता दिखी, थोड़ा सा हठधर्मिता ये दिखी कि जैसे ये कानून है, कानून को बदला नहीं जा सकता है। अरे सारी सरकारों ने पिछले 50 कानूनों को बदला है, कई बार कानून वापस ले लिए गए। मिश्रा जी, नेहा जी आपके पास फिर आऊंगा। नेहा जी इस प्रकार से कोई चर्चा नहीं हो सकती और अगर ये चर्चा रखी गई है ये भी कहीं ना कहीं इसीलिए रखी गई है। बिल्कुल नेहा जी आपके बीच में भी कोई नहीं बोला था, नेहा जी आपके बीच में कोई नहीं बोला था, वरना विरोध तो कोई ना कोई कर ही रहा। बोलिए रत्न, एक मिश्रा जी बोलिए। बीजेपी का जो कम्युनिकेशन गैप रहा, मैं इनको बताना चाहूंगा कि जो है बीजेपी अपनी शक्तियों को पहचाने, ये संवाद करके सरकार बना लेते हैं, संवाद में ये बड़े माहिर हैं और यहाँ पे चूक हो गई। रही बात आम आदमी पार्टी का, तो उनका कहना ही क्या, उन्होंने बिल फाड़ा तो ये तो वही कहावत है, फटा पोस्टर निकला केजरीवाल, तो उनके ऊपर तो कोई कमेंट है ही नहीं। ये सब उनकी स्टंटबाजी है, उनका कानून बनाने में कोई रोल नहीं है, नेतागिरी वो भी कर रहे हैं। और कुछ किसान नेता भी जो है यहाँ पे उन चीजों को नहीं समझ रहे हैं, समय के साथ परिवर्तन हर एक चीज में होना चाहिए। मैं ये बोलता हूँ किसानों के मन का जो डर है, जितनी मैंने बात की है और समझा है, वो ये है, उनको ये लगता है कि बड़े बड़े बिजनेसमैन, कारपोरेट घराने आ करके उनके जमीनों पे कब्जा कर लेंगे, उनके फसलों पे कब्जा कर लेंगे। यही एक इस बिल का सबसे बड़ा जो है पॉइंट है, जो कि किसानों के बीच और भाजपा के बीच या सरकार के बीच गैप बना हुआ है और इस इकोनॉमिक पॉइंट पे कोई बात ही नहीं कर रहा है।
ना किसान भी उस तरीके से बात नहीं उठा पा रहे हैं और बीजेपी या गवर्नमेंट भी इन चीजों को टच नहीं कर रही है। मैं ये बोलता हूँ, मैंने बार बार ये बोला है कि एक जमाना था जब बैल की जगह किसान खुद हल में जुतता था, यानी उस वक्त पैदाइश इतनी नहीं होती थी, तो चैलेंज ये था कि अपनी पर हेक्टेयर या पर यूनिट एकड़ जो है जमीन के हिसाब से पैदाइश कैसे बढ़ाए, तो विज्ञान को लाया गया, तो विज्ञान ने जो अन्न उत्पादन की क्षमता थी उसको बहुत बढ़ाया। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये चल रही है कि अन्न उत्पादन करने में हम इंडिपेंडेंट तो हो गए, लेकिन किसानों को उसका मूल्य नहीं मिल पा रहा है। भाई एमएसपी को फिक्स करने का मतलब क्या है, जो किसानों की डिमांड है, मतलब उनका इकोनॉमिक वो फियर फैक्टर है कि उनको इकोनॉमिक लॉस होगा, पता नहीं एमएसपी मिले उससे कम पे बिके क्या हो। यही पॉइंट बीजेपी को भी समझाना चाहिए था, प्राइस आपको देगी मार्केट। देखिए कॉर्पोरेट का भी, विज्ञान का भी, साइंटिस्ट का भी अपना एक रोल रहा है और हमेशा हमेशा रहेगा भारतीय कृषि को, किसानों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए। तो यहाँ ये जो एक फियर फैक्टर तीनों ग्रुप में है कि साइंटिस्ट और किसान और कॉर्पोरेट जो है अब तीनों मिल रहे हैं यहाँ पे, तो ये एक फियर फैक्टर है, क्योंकि कोई भी चीज नई होती है तो एक अनजान भय सभी के मन में होता है। मैं समझता हूं कि पेच यहीं पे फंसा हुआ है, एक अनजान भय जो उज्जवल भविष्य के लिए ये बिल ले जाता है, जो ग्लोबल एग्रीकल्चर में हमारे जो है भागीदारी को बढ़ाएगा, अच्छी अच्छी उपज होगी और उसके मूल्य भी कॉम्पिटिटिव मिलेंगे अगर मार्केट ओपन होती है। इस चीज को बीजेपी समझा नहीं पा रही है, पहली चीज। चलिए चलिए ठीक है, ठीक है। एक लाइन और जी, बहुत बहुत कम शब्दों में, उसके बाद अरुण जी का रुख करना है। बोलिए बोलिए। प्रधानमंत्री जी संवाद करने में हमेशा आगे रहते हैं, ये उनकी खूबी है, कहीं पे भी जरूरत होती है वो संवाद करते हैं। मैं बोलता हूँ 23 दिन क्यों देर हो गया, दो बिल्कुल हमारा भी यही सवाल है मिश्रा जी, हमने भी यही सवाल नेहा जी से पूछा था कि 23 दिन हो गए उसके बाद अब आप संवाद करने उतरे हैं, ठीक है संवाद भी सुन ले। उमंग जी, उमंग जी 23 दिन हमने देर नहीं की, आप ये बात समझे हर बार। चलिए चलिए प्रधानमंत्री शालिनी जी, बिल्कुल आपके पास आऊंगा, अरुण जी की भी बात सुन लेते हैं, काफी देर से वो हम सबको सुन रहे हैं। मिश्रा जी ने भी कहा कि कोई भी नई चीज आती है तो उसमें दिक्कतें आती हैं, उसको समझाने की जरूरत होती है। अब मिश्रा जी की ही बात को हम भी आगे बढ़ाते हैं, अगर आप उनकी बात से सहमत हैं और आप आगे बढ़ा रहे हैं तो। मिश्रा जी, एक ये हरियाणा सरकार का नोटिफिकेशन है, इसको आपको टीवी चैनल दे देगा, इसमें अडानी ग्रुप को 2 साल पहले ही जमीन दे दी गई थी एग्रोलैंड के लिए और वो वेयर हाउस बनाने के लिए, इस विषय में आपने प्रकाश नहीं डाला। आप बोले कि नहीं घराने तो इसमें नहीं, देखिए बीच सुनिए, बिल्कुल 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 आपसे आपसे जवाब लेंगे, आपसे सवाल पूछा गया, आपसे जवाब लेंगे, उनकी बात पूरी होने दीजिए, बीच में नहीं, बिल्कुल बोलिए, बीच में नहीं, बोलिए बोलिए, हमको भी बोलने दीजिए भाई, हमको पता है मिश्रा जी। देखिए ऐसा है कि राजीव गांधी जी ने जब कंप्यूटर लाया था तो इंफोसिस के डायरेक्टर जो है, आपको याद होगा, उसके जो चेयरमैन है वो कौन से घराने से आते हैं और कितने बड़े उद्योगपति थे कंप्यूटर बनाने से पहले, आप इसमें भी रिसर्च कर लीजिएगा। राजीव गांधी जी ने उनको ये नहीं कहा था कि आप कंप्यूटर के बारे में काम शुरू कर दीजिए, आप उद्योगपति हैं, उद्योगपति नहीं थे। आज जो हो रहा है वो उद्योगपतियों के लिए हो रहा है, ये बात स्पष्ट हो गई और अच्छा हुआ। बोलिए बोलिए अरुण जी, बोलिए आपके सवाल कीजिए। मिश्रा जी हमारे पैनल में बैठे हुए हैं और हमारे सीनियर भी हैं, बड़े भाई जैसे हैं, उनकी बात को हम बहुत सम्मान से सुनते हैं और देखते भी हैं। मिश्रा जी हमारे अच्छी तरीके से जानते होंगे, गांव के बड़े बूढ़े लोग कह गए हैं कि अगर परिस्थिति खराब होती है इंसान की और विपदा आती है तो आदमी 3 चीज जरूर बचा के रखता है, जड़, जोरू और जमीन। अच्छा, जमीन ही उसको काम आती है और आज जमीन की ही लड़ाई चल रही है किसानों द्वारा। अब जोरू की बात आ जाती है, प्रधानमंत्री जी के पास जोरू तो है नहीं, जमीन ही उसको काम आती है और आज जमीन की ही लड़ाई चल रही है किसानों द्वारा। अब जोरू की बात आ जाती है, प्रधानमंत्री जी के पास जोरू तो है नहीं, जमीन तो है नहीं, अरुण जी, अरुण जी इस प्रकार की बातें सुनिए, नेहा जी एक सेकंड, अरुण जी सुनिए, अरुण जी पूरी बात सुनिए, नेहा जी एक सेकंड, नेहा जी एक सेकंड, अरुण जी एक बात सुनिए आप, अरुण जी, अरुण जी, अरुण जी पहले आप मेरी पूरी बात सुन लीजिए। यहाँ पर हर किसी न किसी नेता के बारे में, हर पॉलिटिकल हस्ती के बारे में सबको सब पता है मार्केट में क्या बात चल रही है क्या नहीं चल रही है, लेकिन आप विषय पर रहिए, विषय के इर्द गिर्द जाएंगे फिर कोई और पैनलिस्ट आपके नेताओं के बारे में बोलेगा तो आपको भी बुरा लगेगा, आपको भी बुरा लगेगा।
अरुण त्रिपाठी जी ने कुछ सवाल करे थे एके मिश्रा जी से। देखिए त्रिपाठी जी का पहला सवाल यह था कि 2-3 साल पहले हरियाणा में अडानी ग्रुप को जमीन दी गई जी। मैं ये बोलूंगा कि किसी भी कारपोरेट को कोई भी सरकार किसी भी पर्पज के लिए जमीन दे देती है, बिल चाहे बाद में आए। सुनिए मेरी बात, सुनिए पहले मेरी बात। अरुण जी मेरे को आपकी ऑडियो डाउन करवानी पड़ेगी। ये इस प्रकार से चर्चा में ये चीज नहीं चलेगी। मैं नहीं 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 करे पहली चीज। दूसरी चीज, अगर इन लोगों को अडानी और अंबानी से दिक्कत, उसी का जवाब दे रहे हैं, सुन तो लीजिए अरुण जी। उसी का जवाब दे रहे हैं, सुन तो लीजिए, सुन तो लीजिए अरुण जी, उसी का जवाब दे रहे हैं। उमंग जी ये क्या चल रहा है? बिल्कुल रत्नेश जी आपके पास भी आऊंगा, सबको बराबर समय देंगे, आपके पास भी आएंगे। एके मिश्रा जी कम, बहुत कम शब्दों में अपना जवाब दीजिए, रत्नेश जी भी इंतजार कर रहे हैं, बोलिए। एके मिश्रा जी, रॉबर्ट्स वाड्रा जी उद्योगपति भी हैं, किसान भी हैं, उनको जो है जमीन सरकार दे देगी, उनको बोलिए अप्लाई करें जी। तीसरी चीज रही बात ये, कांग्रेस को भी मैं ये बोल रहा हूँ कि ये भी एक रिवोल्यूशन हो रहा है, एग्रीकल्चर और मार्केट को क्लब किया जा रहा है। गलत फहमियां हो सकती हैं, चेंजेस के पॉसिबिलिटीज हैं, लेकिन इस तरीके से आप रेवोल्यूशन का हर चीज को रोक दीजिए। मैं बोलता हूँ रॉबर्ट्स वाड्रा इतने बड़े किसान है। नहीं नहीं अरुण जी क्यों छोड़िए, एक सेकंड चलिए रत्नेश जी के पास भी चलेंगे, रत्नेश जी के पास भी चलेंगे। लेकिन अरुण जी आप मेरे को एक बात बता दीजिए, क्यों छोड़े रॉबर्ट वाड्रा को, क्यों छोड़े? क्या 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 उन्होंने जमीन नहीं ली? क्या उन्होंने अपने आप को किसान नहीं बताया? नहीं, अगर अगर आप चर्चा से अलग जाएंगे अरुण जी, तो सबको हक है चर्चा, इन पैनलिस्ट को भी हक है चर्चा से अलग जाने का। आपसे सीधा सवाल करा था, उसका सीधा जवाब था। आपने दो सवाल करे, उनके अगर वो जवाब दे रहे तो आप बीच में बोल रहे हैं। चलिए ठीक है, मैं रत्नेश जी के पास में आऊंगा। रत्नेश जी अपनी बात रखिए। उमंग जी प्लीज, अरुण जी, एके मिश्रा जी, चलिए ठीक है, मैं मेरी टेक्निकल टीम से कहूंगा, अरुण जी का, एके मिश्रा जी अपनी बात पूरी कीजिए। एके मिश्रा जी देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा, जैसा कि मैंने पहले कहा, इसमें केवल देश ही नहीं, विदेश के नेता भी, कनाडा का प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो, वो भी राजनीति कर रहा है जी। किसान के जो नेता हैं, जो किसानी को, खेती को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं, उसमें भी कई धड़े हैं, हर धड़े के, हर जत्थे के अपने नेता हैं, वो भी अपनी, मतलब वो है तो आखिर किसान नेता है ना, नेता शब्द तो उनके साथ जुड़ा हुआ है जी। सवाल ये है कि इस बिल की, बीजेपी का कम्युनिकेशन और आईटी सेल बड़ा मजबूत है, मतलब बहुत अच्छी तरीके से वो बातों को समझाते हैं, लेकिन इस बिल का जो असली मकसद है कि हाशिए पे पड़ा हुआ छोटा सा किसान जो यहाँ आंदोलन में नहीं आ सका, क्योंकि उसके पास पैसे नहीं होते हैं, सुविधाएं नहीं होती है, फुट मसाजर नहीं होते हैं, ट्रैक्टर नहीं होते हैं, उसको इकोनॉमिक बेनिफिट कैसे मिलेगा? झोपड़ी में रहने वाले किसान को इकोनॉमिक बेनिफिट कैसे मिलेगा जब कॉरपोरेट वर्ल्ड या बिजनेस वर्ल्ड इनके साथ जुड़ेगा? भारत के ग्रोथ में बिजनेस वर्ल्ड या कॉर्पोरेट वर्ल्ड को, हम सबकी लाइफ स्टाइल को बदलने में कॉर्पोरेट वर्ल्ड का बहुत बड़ा योगदान है। आप मुझे ये बताइए, हर एक सेक्टर में मार्केट का और कॉर्पोरेट वर्ल्ड का बहुत बड़ा योगदान है। आप इसको पॉजिटिव वे में लीजिए, न कि इस तरीके से लीजिए कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड आ गया। अरे बाहर की कंपनियां आप देखिए, जब लिबरलाइजेशन हुआ तो इतनी कंपनियां आई। रही बात अडानी अंबानी का जो आप विरोध कर रहे हैं, तो देश में कोई भी उद्योगपति, मैं तो इनको बोलता हूँ त्रिपाठी जी को कि विजय माल्या को बुला लाए, वो बना ले, गोडाउन बना ले, या एग्रीकल्चर सेक्टर में इन्वेस्ट कर दे। रॉबर्ट्स वाड्रा जी किसान भी हैं, बहुत बड़े उद्योगपति भी हैं, वो क्यों नहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं एग्रीकल्चर में? उन्होंने क्या इन्वेस्ट किया? कोई फैक्ट्री लगाई, कुछ किया? 2-4 हजार करोड़ रुपए का कोई आलू से जो है सोना तो नहीं बन पाएगा, लेकिन चिप्स बनाने की फैक्ट्री ही अगर वो लगा दिए होते 100-200। लग रहा है मिश्रा जी पागल हो चुके हैं, मिश्रा जी पागल हो चुके हैं। अरुण जी इस प्रकार की भाषा का कृपया इस प्रकार की भाषा का उपयोग मत कीजिए। मेरे को अपना ऑडियो डाउन करने के लिए मजबूर मत कीजिए, आपका ऑडियो डाउन करने के लिए। आपके बीच में कोई नहीं बोला तो आप भी किसी के बीच में नहीं बोलेंगे। जरा शब्दों पे ध्यान दीजिए आप, क्या? चलिए ठीक है
ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, आप आप नहीं नहीं अरुण जी, आप प्रधानमंत्री जी की पत्नी के ऊपर बात कर सकते हैं, वो ठीक है, वो चलेगा, आप कर सकते हैं। मैंने शुरुआत में भी कहा था, आप जो करें वो सारी बातें सही है, लेकिन कोई दूसरा आपकी पार्टी के नेताओं के बारे में बोल दे वो गलत हो जाता है, ऐसे नहीं चलेगा। शालिनी जी, आपके पास मैं आना चाहूंगा। मिश्रा जी, अरुण जी, इस प्रकार की भाषा का कृपया यहाँ पे तो उपयोग मत कीजिए। आप प्रधानमंत्री जी की पत्नी के लिए बोल सकते हैं, वो आपको चलता है, तब आपकी भाषा मर्यादित नहीं होती। नहीं 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 अरुण जी, इस प्रकार से नहीं चलेगा। आपको जो चाहे आपको बोलना है वो आप बोल सकते हैं। आप लाइव डिबेट में किसी पार्टी की प्रवक्ता को आप झूठा बोलते हैं, आप किसी राजनीतिक विचारक को आप पागल बोलते हैं, लेकिन अगर ये सिर्फ एक फ्रेज का उपयोग करते हैं तो वो गलत हो जाता है। अरुण जी, ऐसे नहीं चलता। मैं मेरे टेक्निकल डिपार्टमेंट से कहूंगा अरुण जी की आवाज डाउन करें। मिश्रा जी, बहुत कम शब्दों में अपनी बात पूरी कीजिए, बहुत कम शब्दों में। मिश्रा जी, इसके इकोनॉमिक बेनिफिट जो सीमांत किसान होते हैं, हाशिए पे बैठे हुए किसान होते हैं, मैं ये मानता हूं कि सरकार की यहां पे चूक हो गई है। उस माइक्रो इकोनॉमिक बेनिफिट को बीजेपी सरकार, उनके प्रवक्ता, उनका पूरा आईटी कम्युनिकेशन सेल समझा नहीं पाया है इनको। ये मैं बोलता हूं, जो किसान बहुत संपन्न है उनके लिए ये बिल नहीं है, आप उससे अलग हो जाइए। जो फुट मसाज करा रहे हैं वो किसान नहीं, वो आढ़तिये हैं, वो जमींदार हैं, जमींदारों के लिए ये नहीं है। ये है जो असली किसान है, जो अपने कंधे पे हल लेके अपने बैल के साथ जाता है। उन छोटे किसानों को मार्केट का बेनिफिट कैसे मिले, मार्केट को उनके साथ कैसे जोड़ा जाए, इस चीज के लिए बिल है। बीजेपी की ये गलती है कि इस माइक्रो बेनिफिट को वो समझा नहीं पा रही। ठीक है ठीक है ठीक है।